वो तो त्यागी बाबा था। एक शहर में एक राजा मर गया तो बोला इधर गद्दी पर किसको रखेगा, और उसको बेटा भतीजा कुछ भी नहीं था। तो उसने बोला जो सुबह को 4 बजे कोई मिलेगा मंच, उसको हम तख्त पर बिठाएगा। सो आपको मालूम ही है तो 4 बजे तो ज्यादातर दरवेश उठते हैं, सैर करने जाते हैं। बोला किले के अंदर जो मिलेगा उसको तख्त पर बिठाएगा। दरवेश मिला, उसको बोला, ऑफर किया, भाई चलो जी, हम तो इतना अपना ही माया छोड़ दिया तो आपकी माया क्या करें। बोला आपको तो इधर शहर में रहना है तो ये काम भी करने का है, तुम चलो। उसको ऐसे अंदर में संतोष आ गया। तो सहज जो ईश्वर इच्छा पर जो बात आई है, हम नो करेगा तो भी मन चलेगा, बोलेगा मैंने इसको नो किया। जब तुम्हारी बारी देर है, जब तू आत्मा है, जब तुम्हारे में एक्शन नहीं है, इच्छा नहीं है, कर्ता बने का नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो तुम सहज में चलो। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सहज में रहता है, पर इच्छा में रहता है। तो उसी टाइम वो आके तख्त पर बैठा, बहुत अच्छी तरह से राज किया, अपने भोगों के लिए नहीं पर सबके रहत के सेवा के लिए उसने काम किया, राजा ही चला। तो अचानक किसी राजा को मालूम पड़ा तो भाई ये आके ऐसे ही बैठा है, दरवेश है, इसको इच्छा भी नहीं है, इसको राजा की जरूरत भी नहीं है, बैठा है शहर के किले के बाहर। आके उसने बहुत गोर शोर किया, मेरे को राजा ही चाहिए। तो राजा के मन में पहली त्याग भावना थी, तो उसने उसकी जांच कराई, तो ये बराबर रैत को सुख देगा या खुद खाली राजा ही भोगेगा। ये रैत को भी सुख दे या राजा ही भी करे तो अच्छी बात है। तो वे पूछा कि भाई ये खुद भी सुख लेगा औरों को भी सुख देगा। बोला ठीक है। ऐसे करके उसको बाहर किले के बाहर गया, बोला तुम चलो मेरे राजा ही चल के करो। तो बैंड बाजा लेके उसको लेने गया, उसको आके तख्त पर बिठाया। जब तख्त पर बिठाया तो वो पूछने लगा तो आप कैसे खुशी से कैसे हमको बिठाया है, जी देखो मेरे को तो ईश्वर इच्छा से ये तख्त मिला, तुम स्वेच्छा से ये तख्त लिया है, तुमको बड़ा दुख मिलेगा। जी तेरे को दुख नहीं मिलेगा मेरे को क्यों मिलेगा, जी मैं परिच्छा से बैठा तू स्वेच्छा से बैठा है, तुमको अपनी विल है तो मैं बैठूं, मैं आत्म जागृति में हूँ तू देह अध्यास में है, तू चमार है, तुमको सब जितनी भी दुनिया है तुमको दुखी करेगी, तू भी उनसे दुखी होगा, इसीलिए मैं पर इच्छा हूँ तू स्वेच्छा में है। तो ईश्वर इच्छा में चलने वाला कभी दुखी सुखी नहीं होता है, अपनी इच्छा वाला हमेशा दुखी है, चाहे ईश्वर उसको करोड़ दे, चाहे पद्म दे, चाहे मिलियनर्स बनाए, पर वो सुखी न होगा। सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, क्योंकि कोई मनुष्य तुमको नहीं मिलेगा जिसको स्वेच्छा न हो, अपनी इच्छा न हो, अपनी डिजायर न हो, इसीलिए पर इच्छा वाला इत्तेफाक से भी दुखी न होगा। तुम समझते है तो दुख का कारण कोई बाहर है, कोई बेटा है, कोई स्त्री है, कोई धन है, कोई पदार्थ है, कोई भोग भी है दुख का कारण, न स्वेच्छा। मेरी विल कभी न चले, मैं कभी न विल चलाऊ, छोड़ सियान पर सगली मना, क्यों लिपटाए मूर्ख मना। तो डिजायर लेस कैसे हम बने, जब देह ध्यास है तो डिजायर है, इच्छा भी है, अहंकार भी है। जब मैं देह नहीं हूँ तो जिधर जिधर हमारा मन गया है, आउट लाइन में गया है ना, आउट है ना, तू मेरे से जुदा है। मैं बोलूं फलाई नहीं आई, टीरा नहीं आया, ये नहीं आया, मैं इनसे मिलूं, मैं उनसे मिलूं, मैं इधर समझ के बैठा हूं, मैं सबसे मिले परे हूं, मेरे से कोई जुदा हुए तो मैं ख्याल करूं मिलने का, ख्याल ही मिलने जी धरे काम ना तू। सब ख्याल है हमारा, हमारा ख्याल हमको दुखी न करे, इवन भगवान भी दुखी नहीं कर सकता है। तुम बोलो भगवान भी नहीं दुखी कर सकता है, तुमको कोई भी दुखी नहीं कर सकेगा। तू समझता है तो दुख जरूरी है, मैं देह हूँ, तू आत्मा है, तू परमात्मा है, जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार, सारा जो परिवार है वो परमात्मा का है। एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। कोई इस जन्म में भोग से द्वेष करता है तो मैं त्यागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ,
मैं ऐसा हूँ जो चिन्ह धारण करता है वो समझो चिन्ह धारण करने वाला कभी आत्माकार नहीं है। जो आत्माकार है वो चिन्ह नहीं धारण करता है, पूजने नहीं बनता है, कथा नहीं पहनता है, वो नहीं बोलता है मैं ये पहनूंगा ये नहीं पहनूंगा। उसको अंदर में त्याग भावना है। एक साधु था, उसका बहुत जो भी दुपट्टा था वो मैला हो गया, फट गया, तो किसी व्यक्ति ने उसको बोला तुम ये उतारो, पुराना है तो ये पहनो। वो नया पहन के बाहर निकलता है, बोलता है मेरे को तो कोई ज्ञानी समझेगा नहीं, तो मैं क्यों नहीं पुराना पहनूं जो मेरे को कोई ज्ञानी समझे। तो वे वापस अंदर छोड़ के और पुराना कपड़ा पहन के वो दुनिया को बोला मैं त्यागी, मैं साधु, मैं सन्यासी। तो ऐसे दुनिया को ठगने के लिए हम योगी बने, साधु बने, सन्यासी बने, चिन्ह क्यों चेंज करें, चिन्ह क्यों हम रखें? तो मैं योगी हूँ या ब्रह्मचारी हूँ या मैं उदासी हूँ या मैं त्यागी हूँ। जो जैसे घर में तू पैदा हुआ उस घर में तू रहता है, उसी से कोई भी चिन्ह तू धारण करता है तो तू समझता है ना मैं ज्ञानी, मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं उदासी। इसीलिए जो आत्माकार है, जो गृहस्थ में रहता है, राजा जनक होगा तो राजे में रहेगा पर अंदर में विलिंगली उसको त्याग है, विल अपने विल से इच्छा छोड़ी, अहंकार छोड़ा, द्वेष छोड़ा, द्वेष छोड़ा, सब छोड़ा माना विलिंगली, पर दुनिया को नहीं दिखाया तो मैं ज्ञानी, मैं त्यागी, मैं वैरागी। तभी वो स्वामी भी बोलता है त्यागी वैरागी माया सब मस्त किया।